सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव देव और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं ऑटोकैड की एक नई ड्राइंग। अब इस ड्राइंग में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की क्रिटिकल रेडियस होती है वो आप कैसे बनाओगे। देखिए, सॉलिड वर्क हो या फिर और कोई सॉफ्टवेयर हो, तो उनमें तो क्या है कि सीधी सीधी ये ड्रॉइंग है अपनी जो रेडियस की है सीधी सीधी बन जाती है, ठीक है। लेकिन अपने ऑटोकैड में ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको या तो ऑफसेट का कमांड यूज लेना होगा या फिर इसका सर्किल लेके तब बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी मैंने अब आपको थोड़ी ड्रॉइंग में पढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। इसकी लेंथ है 165 और 22, इसको जो ऊपर का टॉप का है ये 22 का है, मतलब 44 का हो गया, तो मैंने आधी ये बना रखी है, ठीक है। और उसके पास 32 का सर्कल है, उसके पास 22.5 का है, फिर 16 का है और 16 और 20.5 दोनों ही मर्ज है, ठीक है। एक ही है लेकिन दोनों मर्ज है। उसके बाद 21 के है और ये 15 की है, ठीक है। उसके इसके बाद 16 का जो सर्कल आ रहा है सिर्फ इसी में ही आपके डायमेंशन दे रखी है, बाकी किसी में भी डायमेंशन दे देनी। तो बनाने कैसी है तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को बने रहिए और लास्ट तक देखिए फ्रेंड। मैं स्टार्ट करता हूँ ऑटोकैड, यहाँ से लाइन लेता हूँ स्ट्रेट करने के लिए F8, ठीक है। बाकी के टोटल आप देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप और भी अच्छी तरह से सीख सकते हो। 165 यहाँ मैंने टोटल आपको लेंथ दे दी, ठीक है। 165 आपकी लेंथ होगी। उसके बाद 22 mm का ये है और 15 का ये है, मैं एक साथ बना लेता हूँ। यहाँ से 22 सिंगल एंटर और 15 डबल एंटर, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ 19.5 का बना लेता हूँ, यहाँ से 19.5 एंटर, ठीक है। अब मुझे यहाँ से 32 का एक सर्कल बनाना है, ये जो आप देख रहे हो 32 का ये सर्कल मुझे ड्रॉ करना है। मैं कैसे करूंगा, कमांड दे लेता हूँ ऑफसेट से 32 का, दिस एंड दिस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ई सॉरी सी एंटर सर्कल के लिए, लेकिन ये पॉइंट हमें यहाँ टच करना है क्योंकि यहाँ इसकी रेडियस की लेंथ जो स्टार्ट हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट एंड मूव कॉर्नर टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रेडियस अपनी स्टार्ट हो रही है इसलिए मैंने इसको मूव किया। इसको ट्रिम कर दूंगा यहाँ से, इसको मैंने इस तरह से, इन लाइनों को मैं हटा देता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए उसके बाद आपका ऊपर से टॉप से 1.73 का ऑफसेट है वो आपको देना पड़ेगा। 1.73 का ऑफसेट दे लेता हूँ मैं, पॉइंटर 54.73 इंटर, यहाँ से टॉप से नीचे दे लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 38.52 ताकि 16 की रेडियस बन सके, 38.52 इसके मैं ऑफसेट दे लेता हूँ, 38.52 यहाँ से ये, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं 16 का सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो सी एंटर सेंटर सर्कल एंड 16 एंटर, ठीक है। अब ये हमने बना लिया, अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा लेता हूँ, इसको भी मैं, अब इसमें और इसमें आपको मैं सर्कल दे रखा है 20.50 का, 20 के यहाँ रेडियस है, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली मैं ऑफसेट दे लूंगा, एफ इंटर आर इंटर 20.5 इंटर, इस सर्कल को पकड़ूंगा इस तरह से, ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक बन के आई, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 21 की जो रेडियस आ रही है मुझे पहले ये बनानी होगी, तब ऑटोमेटिक आपकी 20.5 की आ जाएगी। मैं कैसे करूंगा, इसकी मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, वो एंटर 21 का है, आप देख लीजिए यहाँ से
71 के सर्कल है, 1 × 2, यहां से मैं नीचे और यहां से इधर सर्कल देता हूँ, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ 21 का, 21। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका ये पॉइंट यहाँ टच करना है क्योंकि ये इस तरह से शार्पनेस आ रही है। मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, मूव फर्स्ट पॉइंट, और ये यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है इसलिए। ठीक है, मैं मुझे क्या करना है, इसमें और इसमें 20.5 की ये रेडियस है, मतलब इसको मर्ज करते हुए 20.5 की रेडियस है। तो मैं क्या करूंगा, तो थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं आर डबल एंटर से हल्का सा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ट्रिम कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगा, इसका रेफरेंस रेफरेंस लेके ये बन जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट में मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा ताकि ये पूरा मर्ज होता हुआ आ जाए। मैं क्या करूंगा, एफ इंटर आर इंटर 20.5, ठीक है, सर्कल को पकड़ूंगा और इस सर्कल को लाइन को क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये इसके मर्ज होते हुए परपेंडिकुलर ये आ गई है। मैं बाकी का मैं ट्रिम कर देता हूँ टी आर डबल एंटर, ध्यान से करना कि यहाँ बहुत सारी लाइनें ड्रॉ होगी, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आप थोड़ा सा जूम करोगे यहाँ आपको दिख जाएगी, देखिए ये लाइन है, आपको ये वाली लाइन ट्रिम करनी है, टी आर डबल एंटर लाइन ट्रिम कर दी। उसके बाद यहाँ नीचे भी है हल्के से, इसको ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम कर दी तो ये पूरी मर्ज होते हुए आ गई। ठीक है, ये आपकी पूरी कंप्लीट ड्राइंग बन के आ चुकी है। तो ये एक रेडियस, दो, तो तीन, चार, और ये पांच, टोटल पांच रेडियस है आपकी। तो पांच रेडियस पूरी मेंशन होगी। डायमेंशन देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको पहले इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी ताकि आपको डायमेंशन अच्छी तरह से दिख जाए। यहाँ से गैप साइज में दे लेता हूँ 1 1 mm, और यहाँ से मैं दे लेता हूँ 4 mm का जो आपका सर है वो 5 mm का, और प्राइमरी यूनिट में मैं जाके मैं 2 डायमेंशन में इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको डायमेंशन अच्छी तरह दिख जाएगी, जो ड्राइंग में है वही आनी चाहिए। 22 की है तो 22 की आपकी आपकी ये आ गई। ठीक है, 15 की रेडियस पे स्टार्ट होनी चाहिए आपकी, तो यहाँ से पॉइंट ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, 15 की आ गई। ऐसे यहाँ से 19 की आनी चाहिए, 19.5 की, 19.5 आ गई, टोटल लेंथ 165 है। तो यहाँ से मैं 165 लेंथ इसको टोटल शो कर दूंगा, तो 165 आपकी टोटल लेंथ हुई। अब रेडियस देखनी है तो रेडियस भी आप देख सकते हो, यहाँ से फर्स्ट रेडियस 21, सेकेंड 20.5, 16 की ये 20, उसके बाद 32, इस तरह से। ठीक है, ये पूरी जब कंप्लीट हो जाए आपकी, इस तरह से ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसको रिवॉल्व करना है। ठीक है, रिवॉल्व के लिए इसको मैं थोड़ा कंट्रोल जेड लेके पीछे चला देता हूँ ताकि इसकी डायमेंशन जो भी थी सारी यहाँ से हट जाए। ठीक है, आ गया, इसको रिवॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये आपको वर्क प्लेन है, वर्क प्लेन पे जाके आपको यहाँ 3D मॉडलिंग पे क्लिक करना है। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से 3D मॉडलिंग, जैसे आप यहाँ करोगे इस तरह से हो जाएगा। आप क्या करोगे, एक्सट्रूड के नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे, यहाँ है रिवॉल्व, क्योंकि ये रिवॉल्व ही होगा, रिवॉल्व का मतलब चार तरफ से राउंड करना। रिवॉल्व जैसे मैं ओपन किया, आपको पूरा सिलेक्ट करना होगा ऑब्जेक्ट इस तरह, उसके बाद राइट क्लिक करनी है, एंटर करना है। आपको इस सेंटर लाइन से घुमाना है इसके चारों तरफ। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक क्लिक कर दूंगा, ये एंगल दे दूंगा 360, एंटर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से इसको एडिट कर दूंगा ताकि आपको सॉलिड दिख जाए। ठीक है, इस तरह से मेरे पास पूरी कंप्लीट ड्राइंग बन के आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आगे भी इससे अच्छे अच्छे क्रिटिकल रेडियस में की ड्रॉइंग में लेके आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको रेडिस के बारे में और अच्छी नॉलेज मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।